और एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं, दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा सामने आया है। राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री राजकुमार ने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है, यानी कि न सिर्फ उन्होंने मंत्री पद से बल्कि पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई है, राजकुमार आनंद कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी में नहीं रह सकता हूं, राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देने के साथ क्या कहा आपको सुनवाते हैं। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी में मंत्री पद पर थे, उन्होंने न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया है बल्कि उन्होंने सदस्यता भी छोड़ दी है आम आदमी पार्टी की। और उन्होंने क्या कहा है, क्या आरोप लगाया है पार्टी के ऊपर, वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी में भ्रष्टाचार है और मैं और ज्यादा वक्त तक इस पार्टी के साथ जुड़कर नहीं रह सकता हूं, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो ये कह रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं, दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा सामने आया है। राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री राजकुमार ने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है, यानी कि न सिर्फ उन्होंने मंत्री पद से बल्कि पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई है, राजकुमार आनंद कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी में नहीं रह सकता हूं, राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देने के साथ क्या कहा आपको सुनवाते हैं। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी में मंत्री पद पर थे, उन्होंने न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया है बल्कि उन्होंने सदस्यता भी छोड़ दी है आम आदमी पार्टी की। और उन्होंने क्या कहा है, क्या आरोप लगाया है पार्टी के ऊपर, वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी में भ्रष्टाचार है और मैं और ज्यादा वक्त तक इस पार्टी के साथ जुड़कर नहीं रह सकता हूं, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।